और मैं इमराज गुरेजा इस नाटक के सूत्रधार यानी नरेटर और हम सब आपको दिखाएंगे एक नाटक। तो आज के नाटक का नाम है पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद। दरअसल ये कहानी और इस कहानी को नाटक का रूप दिया है जयदीप सिंह भदौरिया ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी यानी आज का नाटक। तो चलो भाई साहब ने अपने कैरेक्टर बैठ लो। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा। एक तो दूसरे पर अटल विश्वास था। जब भी जुम्मन हज करने जाते हैं तो अपना घर अलगू को सौंप जाते थे, और इसी तरह जब भी अलगू को कहीं बाहर जाना होता तो अपना घर जुम्मन को छोड़ जाते थे। कुल मिलाकर बहुत पक्की दोस्ती थी। ना उनमें खान पान का व्यवहार था और ना ही धर्म का नाता, केवल और केवल विचार मिलते थे। इस मित्रता का जन्म तब भी हुआ जब दोनों मित्र बालक ही तीन बीघा जमीन थी, लेकिन उनके निकट संबंधियों में कोई भी नहीं था। सिवाय जुम्मन के। बिल्कुल। तो जुम्मन ने लम्बे चौड़े वाने पर एवराज भैया मतलब तपुर से नाव गई या किसने खाओगे थी। ओ हाँ, चलो शुरू करते हैं सीन वन। Thank you.
ठेकेदारियों पर भी मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटी के नाती के सालन भी देने लगी और जुम्मन जब भी निशुल हो गए। और ये तो गलत है, इंसान एक रात में इतना बदल सकता है, मैं नहीं मानता। अपनी आंखों से देख लोगे तब तो मान जाओगे। हाँ। तो देखो सीन नंबर टू। कैसी मुसीबत कैसी लाचारी, हाँ कैसी लाचारी, कैसी किस्मत लेके आई खाला ये बेचारी, हाँ खाला ये बेचारी। घर का दीपक आग लगाए, जन्नत का रास्ता खोजने की है।
इस
आखिर अल्गू को ये क्या हो गया? क्या इतने सालों की दोस्ती कुछ काम ना आवेगी? जुम्मन एक तो इसी जंगल निकल में पड़े हुए थे, इतने में ही अल्गू ने अपना फैसला सुनाया। तो जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया और हमें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला को कहाँ पर खर्च दिया जाए। हमारे विचार से खाला के संगत से इतना मुनाफा अवश्य होता होगा कि कहाँ पर खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है और अगर जुम्मन को यह मंजूर ना हो तो हिप्पा नामा रद्द समझा जाए। पंच परमेश्वर की जय। चौधरी को भी
तारे की विपरीत ही ना पानी की, सिर्फ और सिर्फ खेपे से काम। छिपा नहीं है कि पिछले साल मैंने खट्टा खट्टा बैल का जोड़ा था और
एक बैल मर जाने के कारण मुझे मजबूरन दूसरा बैल बेचना पड़ा और जब समझू ने आगे से इच्छा जताई तो मैंने फिर बिना गुनाह का सौदे समझे जो लाल समझू ने कहा उसी पर ही सौदा तय कर दिया और यह तय हुआ था कि एक महीने में मुझे मेरे दाम मिल जाएंगे मगर आज 4 महीने हो गए और अभी दाम देने से मना कर रहे हैं अरे दाम तो तब देता ना जब उस बैल से कुछ मुनाफा भी होता उसने बैल ही ऐसा मर्डर हुआ दिया जिसने बीच रास्ते में हिसाब तोड़ दिया अब आप ही बताइए पर जो बैल जीवित ही नहीं रहा मैं उसके दाम कैसे दे दूं साहू जी बैल को पूरी तरह से परखने का दांत ही आपने लिया था और अगर इतनी ही मेहनत करवानी थी उससे तो पूरा खुराक दे देते घंटा घंटा बैल मेरा है नहीं लगे उसे लगाड़ने पंचा भाव भी बताइए ऐसे हालात में बेचारा जन पर दम नहीं तोड़ेगा तो और क्या करेगा हाँ हाँ चौधरी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं अरे मैंने खुद कहा था अच्छा खासा बैल का मिल गया मुनाफे के चक्कर में दिन के तीन तीन चार चार खेपे लगाने लगा इससे अरे पर उस बैल के दाम से ज्यादा पूंजी तो साहूजी की चोरी हो गई वे बैल बनाएंगे किस काम का अलगू चौधरी और समझू साहू कंसो ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया और उन्हें ये मालूम पड़ता है कि जब बैल को खरीदा गया तो उसे कोई बीमारी भी नहीं थी बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसको ना तो कोई खाने को देता था ना कोई पीने को तो ये समझो साहू को अलगू चौधरी को पूरा मूल्य चुकाना होगा साहू के साथ थोड़ी रियायत होनी चाहिए ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है और रियायत करे तो उनके भले से बोलो चौधरी तुम्हारा क्या कहना पंच परमेश्वर की जय पंच परमेश्वर की जय